तुम लोग यार अगर रात में एक बार पढ़ाई करके देखोगे तो उसके कुछ अलग चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो और जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो, एक बार रात में पढ़ाई करके ज़रूर देखो। रात में पढ़ाई करने के फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यार ये देखो, अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, अभी बज रहा होगा 2-3 रात का और एकदम काम है सब कुछ, आसपास सब शांत है, आवाज़ें कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देगी बस। तो इससे क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ में आती है, कॉन्सेंट्रेट करने में बड़ा मज़ा आता है। आप ये 12 से 5 तक का टाइम अगर 5 घंटे ये बैठ के एकदम जम के पढ़ लोगे ना, तो यकीन मानो बहुत जल्दी कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं हम लोग। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों को रात की नींद चाहिए होती है, तो अपनी नींद खराब मत करना, अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, हम उस पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं रात में, उनसे हम ये बोल रहे हैं कि 1-2 घंटे और पढ़ो, बहुत मजा आएगा। अब होता क्या है, रात में जब तुम पढ़ाई करते हो तो सबसे पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन 0 होते हैं, बस फोन तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसको कि तुम अवॉइड कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर नेटफ्लिक्स एक बार खुल गया तो रात पूरी ऐसे बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने पास कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं है, अपन फ्री होकर बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तुम, ये बहुत प्यारी चीज़ है, दिन में क्या होता है यार, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ काम याद आ जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो हमारा दिन का जो टास्क है वो पूरा नहीं हो पाता है। जबकि होता क्या है कि जैसे कि तुम 11 बजे से पढ़ने बैठे, तुमने 9-10 बजे एक प्लान बनाया कि अगले 4 घंटे में हमें ये किताब आज ख़त्म करनी है, कुछ भी हो जाए, तो तुम उन 4 घंटे में वो किताब आसानी से ख़त्म कर सकते हो। तुम्हें कोई आवाज़ लगाने वाला नहीं है, तुम्हें कोई बाहर कोई बुलाएगा नहीं, तुम्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा है अभी, तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, तो तुम्हारे पास एक इतना बढ़िया टाइम है कि तुम आराम से अपनी किताबों पे दे सकते हो। तो दूसरी चीज़ यही है, अपना जो भी टास्क है वो तुम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में है कि जब तुम रात में पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है कि 11-20 बजे से भी पढ़ रहे हो तो 4 बजे 5 बजे 4:30-5 तक नींद आ ही जाती है, भले तुम कितने शिद्दत से पढ़ो। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा टाइम बहुत बच रहा है। कैसे, जब तुम 10 बजे वैसे भी सोने जाते हो तो 1-2 घंटे फ़ोन चलाते ही हो, ये सब करते हैं, 1-2 घंटे फ़ोन चलाते ही हो, कई बार कैसा होता है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि जिसकी वजह से तुम 1-2 घंटे और खींच देते हो और फिर तुम सोते हो 8-9 बजे तक, तो 7-8 घंटे की नींद नहीं आओगे। जबकि जब वही टाइम तुम यूटिलाइज़ कर ले रहे हो, सुबह 4 बजे भी सो रहे हो तब भी तुम उतने बजे उठोगे, वो 1-2 घंटे ज़्यादा ले लोगे बस। तो तुम, कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि जब रात में तुम पढ़ते हो तो तुम दिन का टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो अच्छे से, जो तुम्हारी नींद का टाइम है। तुम 9 बजे सो के उठते थे, आज अगर रात भर पढ़े हो तो 11 बजे उठ जाओगे सो के, 2 ही घंटे का तो फ़र्क आया। लेकिन फिर 11 से लेके तुम्हारे पास दूसरे दिन, मतलब वो पूरा दिन 12 बजे तक का, फिर 4 बजे तक का, सोचो कितना टाइम पड़ा है तुम्हारे पास। तीसरी चीज़ यही है कि तुम्हारे पास टाइम स्लॉट बढ़ जाता है, ठीक है। चौथी चीज़, जब तुम रात में पढ़ाई करते हो तो देखो सबसे पहली बात तो रात में जब भी पढ़ाई करो, हम कोशिश ये करना कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत करना। रात में पढ़ाई करते समय कोशिश ये किया करो सिर्फ किताबों पे रहो, सिर्फ किताबों पे। क्योंकि क्या होता है, 11 से 4 अगर तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हो तो दिमाग में गलत सिग्नल जाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम बाद में समझाएंगे, तो वो तुम्हारे दिमाग के लिए सही नहीं है। तो इस वजह से रात में जब तुम पढ़ाई करते हो तो कोशिश ये किया करो मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाओ, सिर्फ किताबों से पढ़ो, और किताबों में भी कुछ अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करो। जैसे कि कोई तुम एक टारगेट बनाओ कि यार 2 किताबें हमें ख़त्म करनी है 5 घंटे के अंदर, तो तुम एक जब टारगेट बनाते हो तो तुम ख़त्म करते हो, और कोशिश करो ये किताबों से, नोट्स से, इन सब से, ठीक है। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखो और एक बार रात में पढ़ाई करके ज़रूर देखो। राम राम, जय हिंद।